भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, इन शब्दों में संस्कृत भाषा का गौरव कवियों ने किया है। इसी गिरवाण भाषा में महाकवि कालिदास ने रामटेक में प्रख्यात मेघरूतम नामक संस्कृत खंडकाव्य की रचना की। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामगिरी के पास भगवान रामचंद्र के पदस्पर्श से पवित्र तथा प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त ऐसे रामटेक नगरी में स्थित है। विश्वविद्यालय के निसर्ग सुषमा से परिपूर्ण परिसर में प्रवेश करते ही आनंद, चैतन्य, उत्साह उमड़ आता है। संस्कृत सभी भाषाओं को मातृभूत है। यह ज्ञान भाषा तथा विज्ञान भाषा है। साहित्य, दर्शन, योग, व्याकरण, ज्योतिष आदि पारंपरिक शास्त्रों का संरक्षण, संवर्धन तथा संक्रमण करना विश्वविद्यालय का दायित्व है तथा कर्तव्य भी। विश्वविद्यालय का विजन अर्थात साक्षेप दृष्टि संस्कृत उज्ज्वल भविष्य के लिए यह है। संस्कृत फॉर फ्यूचर। भारत के प्राचीन वैभव को दिखाने के लिए संस्कृत के उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन संस्कृत फॉर फ्यूचर, भावी भारत निर्माण करने हेतु संस्कृत का उपयोग किया जाएगा। इसी को लक्ष्य करते हुए शास्त्र बीज रक्षा हेतु इन सभी शास्त्रों का पारंपरिक पद्धति से अध्ययन अध्यापन करने हेतु हमारे सम्माननीय कुलगुरु प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़े जी ने रामटेक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक तथा संस्कृत प्रेमी श्री माधव सदाशिव गोळवलकर इनके अभिधान से गुरुकुल की शुरुआत की। रामटेक के मुख्य कार्यालय में, मुख्य केंद्र में गोळवलकर गुरुजी गुरुकुलम आरब्ध किया है, जिस गुरुकुल में शास्त्राध्ययन करने हेतु शताधिक छात्र यहां आए हैं, वहां अध्ययन कर रत है। गुरुकुल में व्याकरण, साहित्य, वेदांत, ज्योतिष इत्यादि विषयों में प्राकशास्त्री, शास्त्री, आचार्य इत्यादि पाठ्यक्रम शुरू है। आज इस गुरुकुल में पारंपरिक शास्त्रों के अध्ययन के साथ शास्त्रार्थ सभा का आयोजन, पारंपरिक गीता पठन, वेद मंत्रों की सस्वर संथा, संस्कृत वक्तृत्व का अभ्यास करने हेतु धीषणा, शास्त्र गोष्ठी, ग्रंथाध्ययन कार्यशाला, परिषद इत्यादि अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। युवा पीढ़ी को शास्त्रों की महत्ता समझने के साथ साथ ही संगणक कुशलता के लिए संगणक वर्ग, अंग्रेजी भाषा प्रवीणता के लिए निवेदिता इंग्लिश क्लब के माध्यम से छात्राओं का व्यक्तित्व विकास किया जा रहा है। इसलिए पारंपरिक विषयों के साथ वर्तमान काल में उसकी उपयोगिता, उपयोजन पहचान कर आधुनिक विषयों में पाठ्यक्रमों की निर्मिति विश्वविद्यालय ने की है। संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार और उस संबंधित ज्ञान विज्ञान आदि विषयों में अध्ययन तथा संशोधन यह विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण उद्दिष्ट है। संस्कृत फॉर ऑल, यह उद्दिष्ट साध्य करने के लिए तथा विश्वविद्यालय का छात्र आधुनिक युग में रोजगारक्षम हो, इस दृष्टि से कौशल्य विकास विकसित करने हेतु विश्वविद्यालय में संस्कृत तथा आधुनिक विविध शास्त्र संयुक्त अभ्यासक्रम तैयार करके परिचालित किए हैं। संस्कृत एक केवल कुछ समुदाय की भाषा नहीं है, केवल कुछ जनों का भाषा नहीं है, बल्कि संस्कृत एक सब जन का भाषा है, लेकिन संस्कृत फॉर ऑल। इसमें प्रशासकीय सेवा, आतिथ्य सेवा, कीर्तन शास्त्र, लोक प्रशासन, वाणिज्य, बीबीए, बीसीए, समाज कार्य, ज्योतिष शास्त्र, साहित्य शास्त्र, योग शास्त्र, आयुर्वेद, दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, शिक्षण शास्त्र, हस्तलिखित शास्त्र, ललित कला इत्यादि विषयों के पाठ्यक्रमों का प्रारंभ हुआ है। सभी जनों के लिए संस्कृत के द्वार खुले किए हैं। संस्कृतम पठ अत्याधुनिको भव, यही हमारा मंत्र है।
रिसर्च अर्थात संशोधन यह सृजनशील आविष्कार हो तथा सृजनशील संशोधन की परंपरा समृद्ध हो, इसके लिए विश्वविद्यालय विविध संशोधन प्रकल्प चला रहा है। आचार्य, छात्र, प्राध्यापक इत्यादि सभी इसी पथ पर चले और हमारा प्राचीन ज्ञान नए रूप में उजागर हो। ट्रेडिशन फॉर इनोवेशन, यही हमारा चरम लक्ष्य है। ट्रेडिशन फॉर इनोवेशन, हम जब नवोन्मेष की बात करते हैं, संशोधन क्षेत्र में, अनुसंधान क्षेत्र में नई विचारों को, नया विचारों को लेने ले आने के लिए बात करते हैं, तो उसके उपयोग में संस्कृत एक बहुत बड़ी संपत्ति, बड़ी उपलब्धि हो जाती है। इस दृष्टि से संस्कृत ट्रेडिशन फॉर इनोवेशन, ये तीन बातों से मैं विद्यापीठ का कार्यक्रमों को रखना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय के मुख्यालय रामटेक में जिन छात्रों ने पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण की है, उन्हें MPhil, PhD इत्यादि संशोधन अवसर साहित्य, दर्शन, योग, ज्योतिष, ललित कला इन शाखाओं में उपलब्ध है। इस संशोधन पथ पर हमारे अध्यापकों द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, विद्यापीठ अनुदान आयोग इत्यादि द्वारा प्राप्त अनुदान से कतिपय संशोधन प्रकल्प शुरू है। हाल ही में हमने महाकवि कालिदास के समग्र वाङ्मय का मराठी अनुवाद 7 खंडों में प्रकाशित किया। उसका लोकार्पण महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के हाथों से हुआ तथा संस्कृत पंच महाकाव्य रघुवंशम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम इन पर संस्कृत तथा हिंदी भाषाओं में लघुपट बनाए। यह प्रकल्प संस्कृत अध्ययन, संस्कृतानुरागी तथा संस्कृत अभ्यासक इन सभी को लाभदायी रहेंगे। संस्कृत भाषा सभी तक सर्वजनाय पहुँचे, यही हमारा ध्येय बिंदु है। शिक्षा के अतिरिक्त छात्रों के गुणों का विकास और विस्तार हो, उनका पूर्ण व्यक्तिमत्व विकसित हो, इसलिए राष्ट्रीय सेवा योजना, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा समारोह, योग स्पर्धा, क्रीड़ा स्पर्धा, सांस्कृतिक स्पर्धा, संस्कृत नाटक इत्यादि अनेक उपक्रमों में छात्राओं को सहभागी होने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। विविध राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में हमारे छात्रों ने विश्वविद्यालय का नाम गौरव से ऊंचा किया है। विश्वविद्यालय में स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन केंद्र, छात्रावास व्यवस्था, केंद्रीय संगणकीकृत ग्रंथालय सेवा, संगणक कक्ष, संशोधकों के लिए संशोधन पाठ्यवृत्ति, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति तथा पुरस्कार इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध है तथा गणेश उत्सव, नवरात्रोत्सव, कोजागिरी इत्यादि उत्सवों का उत्साहपूर्ण आयोजन छात्राओं को आनंदमय तथा परिसर को चैतन्यमय रखता है। राष्ट्रहिताय संस्कृतम, यह विश्वविद्यालय का ब्रीद है। इस ब्रीद पर हमारा विश्वविद्यालय समाज के लिए शैक्षणिक, प्रशासकीय, संशोधन, सामाजिक इत्यादि अनेक उपक्रमों द्वारा सक्षम, समर्थ युवा पीढ़ी की निर्मिति में अग्रेसर है। विद्या, वित्त, परीक्षा, आस्थापना, सामान्य प्रशासन, विद्यापीठ नियोजन विकास मंडल, संगणक सुरक्षा इत्यादि विविध विभागों द्वारा तथा संवैधानिक अधिकारियों के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय का कार्य सुचारू रूप से प्रचलित है। रामटेक में प्रस्थापित विश्वविद्यालय को नागपुर के नजदीक वारंगा में 50 एकड़ जगह महाराष्ट्र शासन ने प्रदान की है। नागपुर में ये जो नया हमारा परिसर बन रहा है, उस परिसर में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्शास्त्रीय अध्ययन का एक केंद्र बनेगा, जिस केंद्र में हमने अभी एक विधि विषयक विश्वविद्यालय के साथ हमने नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है। शास्त्रीय आर्गुमेंटेशन इस क्षेत्र में हम, इस विषय में हम एक सर्टिफिकेट कोर्स आरंभ कर रहे हैं। इसी तरह नाना मुख से संस्कृत का अध्ययन का एक नूतन आयाम इस विद्यापीठ दे रहा है। इसमें सभी को शामिल होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संशोधन केंद्र तैयार होने की प्रक्रिया शुरू हुई है। यहाँ अंतरविद्या शाखीय संशोधन तथा शैक्षणिक अभ्यासक्रम, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड प्रोग्राम्स का परिचालन किया जाएगा। महाराष्ट्र शासन ने विश्वविद्यालय को नॉलेज रिसोर्स सेंटर की मान्यता दी है। ऑनलाइन वैल्यूएशन सेंटर हमारे विश्वविद्यालय में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त
योगा रिक्रिएशन सेंटर, ग्रीन जिम, महिला कक्ष, हिरकने कक्ष, वैद्यकीय अधिकारी की नियुक्ति तथा विश्वविद्यालय को दान देने वालों को आयकर नियम के अंतर्गत ATG की सहूलत भी विश्वविद्यालय को प्राप्त है। हमारे इन्हीं विविध समाजोन्मुख प्रयास, कार्य तथा उपक्रमों की प्रशंसा हेतु आरोपण और श्री अरविंद सोसाइटी पुडुचेरी द्वारा कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय को आरोपण ग्लोबल अवार्ड 2019 सर्वोत्कृष्ट नवोन्मुख विद्यापीठ बेस्ट अपकमिंग यूनिवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह हमारे विश्वविद्यालय गीत के अनुसार हमारा संस्कृत कार्य चिरायु हो, यही हमारे शुभकामना है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।